क्या आपको कॉन्वेंट का मतलब पता है? ब्रिटेन में लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हुआ करता था, तो ऐसे में आपको पता है कि बिना शादी के बच्चा भी हो जाता था। तो उस समय उन बच्चों को चर्च में छोड़ दिया करते थे। ऐसा बढ़ता गया तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कॉन्वेंट खोले जो बच्चे अनाथ हैं और नाजायज हैं उनको वहां रखने के लिए, और उनका देखभाल के लिए वहां पे एक फादर, मदर और सिस्टर की नियुक्ति यानी अपॉइंट किया गया उनको। ब्रिटेन में पहला कॉन्वेंट 1609 में और भारत में पहला कॉन्वेंट 1842 में कोलकाता में खोला गया था। इंडिया में कॉन्वेंट को फ्री स्कूल कहा जाता था, और ऐसी कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी बन गए, जो कि आज भी मौजूद है। अब लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। अब वो क्या लिखते हैं, जरा ये भी सुनिए। कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भरे ही चले जाएं, इस देश में अंग्रेजियत नहीं जाएगी। और आज देखो, हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं, इंग्लिश बोलने के बाद इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। विडंबना यह है कि 200 से ज्यादा देश हैं लेकिन 11